हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे एक नए टॉपिक के बारे में जो है कंसेप्ट ऑफ चिल्ड्रन विद डाइवर्स नीड्स। इससे पहले हमने कंसेप्ट ऑफ इंक्लूसिव स्कूल और इंक्लूसिव एजुकेशन हमने कर लिया था। उसके बाद हमने डिफरेंस बिटवीन स्पेशल एजुकेशन, इंटीग्रेटेड एजुकेशन एंड इंक्लूसिव एजुकेशन भी हमने कर लिया। इन सब वीडियोस का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा और आई बटन में भी लगा दूंगा। इसका जो नेक्स्ट हमारा यूनिट सेकंड का फर्स्ट पार्ट है, कंसेप्ट एंड क्लासिफिकेशन ऑफ चिल्ड्रन विद डाइवर्स नीड्स, उसमें से आज हम सिर्फ कंसेप्ट के बारे में पढ़ेंगे और जो क्लासिफिकेशन की वीडियो है वो मैं नेक्स्ट वीडियो में बना दूंगा। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की वीडियो। आज का टॉपिक है कंसेप्ट ऑफ चिल्ड्रन विद डाइवर्स नीड्स। इसको हम CWDNB कहते हैं। एवरी इंडिविजुअल इज यूनिक इन दिस यूनिवर्स। इस संसार में हर एक व्यक्ति अलग अलग है। कोई भी दो बच्चे सेम नहीं होते। यहाँ तक कि अगर कोई दो जुड़वा बच्चे हैं वो भी सेम नहीं होते। उनमें भी किसी ना किसी एस्पेक्ट पे जरूर डिफरेंस होगा, चाहे वो फिजिकल डिफरेंस हो, इमोशनल डिफरेंस हो, इंटेलेक्चुअल डिफरेंस हो, सोशल डिफरेंस हो, किसी ना किसी एरिया में वो लोग डिफर करेंगे। देयर आर वाइड इंडिविजुअल डिफरेंसेस दैट एग्जिस्ट अमंग चिल्ड्रन। लाइक जैसे मैंने अभी बात करी कि उनमें जो डिफरेंस है वो फिजिकल डिफरेंसेस हो सकते हैं, मेंटल डिफरेंसेस हो सकते हैं, इमोशनल डिफरेंसेस हो सकते हैं। जैसे कि अगर हम फिजिकल डिफरेंसेस की बात करें तो बच्चे जो हैं, कोई बच्चा लंबा होता है, कोई बच्चे की हाइट कम होती है, कोई बच्चा मोटा होता है, कोई बच्चा पतला होता है। इसी तरह से मेंटल डिफरेंसेस की अगर हम बात करें तो कई बच्चे गिफ्टेड होते हैं जिनका IQ लेवल बहुत ज़्यादा होता है, और कई बच्चे एजुकेशनली बैकवर्ड होते हैं क्योंकि उनका जो IQ लेवल है वो एज कम्पेयर टू द नॉर्मल चाइल्ड और एवरेज बच्चा जो है उससे बहुत कम होता है। इसी तरह इमोशनल डिस्टर्बेंस या इमोशनल डिफरेंस की अगर हम बात करें तो कई बच्चे जो हैं वो इमोशनली बड़े स्ट्रांग होते हैं, वो किसी भी सिचुएशन या परिस्थिति को बड़े आराम से उसका सामना करते हैं और उस मुश्किल में से निकल जाते हैं। लेकिन कई बच्चे जो हैं वो इमोशनली स्ट्रांग नहीं होते और उनको बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता है, बहुत जल्दी दुखी हो जाते हैं किसी छोटी छोटी बातों पर भी। इसी तरह से जो बच्चे हैं उनमें ये इंडिविजुअल डिफरेंसेस हो सकते हैं। अब दीज डिफरेंसेस आर ड्यू टू द वेरियस फैक्टर्स। अब ये जो डिफरेंसेस की हमने बात करी है ये कई कारणों के साथ की वजह से हो सकते हैं, जैसे एक है हेरिडिटी और दूसरा है इन्वायरमेंट। हम नॉर्मली जब भी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की बात करते हैं तो इन दोनों चीज़ों की बात करते हैं कि बच्चे में जो डिफरेंसेस हैं, जो वेरिएबिलिटी बच्चों में दिखाई देती है वो मेनली दो कारणों से दिखाई देती है, एक है हेरिडिटी और दूसरा है इन्वायरमेंट। कई परिस्थितियों में इन्वायरमेंट अपना ज़्यादा रोल प्ले करता है और कई परिस्थितियों में हेरिडिटी जो है वो ज़्यादा रोल प्ले करती है। जब हेरिडिटी ज़्यादा रोल प्ले करेगी तब उसमें बच्चे को जो गुण है, कई क्वालिटीज जो हैं वो उसको अपने माता पिता से या और उनके दादा दादी से भी या नाना नानी से उनको मिल सकती हैं। जब हम बात करें कि इन्वायरमेंट ने अपना रोल प्ले किया है बच्चे की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में, तब उसको कैसी कंडीशंस मिली हैं, कैसी एजुकेशनल फैसिलिटीज मिली हैं, उन सब बातों के बारे में हम बात करेंगे। तो ये जो डिफरेंसेस की हम बात कर रहे हैं तो ये कुछ डिफरेंसेस जो हैं वो तो बच्चों के लिए एडवांटेजेस होते हैं जिनका उन बच्चों को फायदा होता है। जैसे कि अगर हम कहें कि पॉजिटिव की तरफ जो डिफरेंस है, जैसे मैंने बात करी थी कि कई बच्चों का IQ लेवल है वो बहुत अच्छा होता है, इसलिए उनको हम गिफ्टेड बच्चे भी कहते हैं, और ये बच्चे जो हैं वो समाज में या देश के लिए बहुत अपना रोल जो है वो प्ले इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। और इसी तरह से कई डिफरेंसेस होते हैं वो चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं बच्चे को उन डिफरेंसेस की वजह से। जैसे कि मैंने कहा कि इमोशनल डिस्टर्बेंसेस होते हैं, डिफरेंसेस होते हैं जिनकी वजह से जो बच्चा है वो बहुत सारे प्रॉब्लम्स को फेस
करता है। अगर हम मेंटल डिफरेंसेस की बात करें तो कई बच्चों का जो आईक्यू लेवल है वो कम होता है, जिस कम होने की वजह से वो बच्चा जो है वो एजुकेशनल फील्ड में उतना ज्यादा एकेडमिक अचीवमेंट वो नहीं कर पाता और वो नॉर्मल बच्चों से पीछे रह जाता है, जिससे कि बच्चा जो है वो मुश्किल महसूस करता है। ऑल सच चिल्ड्रन डिसेबल्ड, नॉट डिसेबल्ड, कैपेबल एंड इनकैपेबल इन टर्म्स ऑफ देयर एडिक्वेट डेवलपमेंट इन वन और द अदर डायमेंशन। वो किसी भी तरह का बच्चा हो, चाहे वो डिसेबल्ड है, नॉट डिसेबल्ड है, कैपेबल है, इनकैपेबल है, जब हम उसकी डेवलपमेंट की बात करेंगे, उसकी पर्सनैलिटी कैसे डेवलप करनी है उसकी बात करेंगे, तब हम कहते हैं कि जो है वो चिल्ड्रन विद डाइवर्स नीड्स है, CWDN है। सच चिल्ड्रन वर अर्लियर कॉल्ड चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स, इनको हम पहले चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स कहते थे, लेकिन अब हम इनको चिल्ड्रन विद डाइवर्स नीड्स कह रहे हैं। वो क्यों कह रहे हैं? क्योंकि अब जो है वो कंसेप्ट चेंज हो गया। पहले क्या था, इट इंक्लूड्स ओनली चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटीज, बट अब जो कंसेप्ट चेंज हो गया उसमें ये सिर्फ उन बच्चों को इंक्लूड नहीं करता जो डिसेबिलिटी वाले हैं, उनके साथ साथ उन बच्चों को भी इंक्लूड करता है जो मार्जिनलाइज्ड जो है वो किसी भी कारण से हो सकता है, सोशल, कल्चरल और इकोनॉमिक डाइवर्सिटीज के कारण। ये जो चिल्ड्रन विद डाइवर्स नीड्स का कंसेप्ट है, ये सबसे पहले ब्रिटिश में ओरिजिनेट हुआ, ब्रिटिश में दिया गया ये कंसेप्ट। सबसे पहले बैरोनेस मैरी वारनॉक ने 1978 में सबसे पहले ब्रिटिश में दिया था, जो कि उन्होंने एक रिपोर्ट बनाई थी गवर्नमेंट के लिए, इंक्वायरी इनटू स्पेशल एजुकेशन। स्पेशल एजुकेशन में उन्होंने इंक्वायरी करी वहां पे कि ब्रिटेन में कैसा वो चल रहा है, उसके रिगार्डिंग उन्होंने एक रिपोर्ट दी थी। वहां पे उन्होंने ये चिल्ड्रन विद डाइवर्स नीड्स का जो टर्म है वो यूज करी थी। डाइवर्स नीड चिल्ड्रन आर दोज हु हैव स्पेशल रिक्वायरमेंट्स फॉर केयर एंड ट्रीटमेंट। इन बच्चों को स्पेशल केयर और ट्रीटमेंट की जरूरत पड़ती है, नॉर्मल बच्चे से ज्यादा केयर की जरूरत पड़ती है। दी चिल्ड्रन आर टोटली डिफरेंट इन कंपैरिजन टू द नॉर्मल चिल्ड्रन। जैसे एक नॉर्मल बच्चा होता है, ये बच्चे नॉर्मल बच्चों से बिल्कुल ही अलग होते हैं, क्योंकि इन सब बच्चों की जरूरतें अलग अलग होती हैं और इनको स्पेशल केयर की जरूरत है, इनका स्पेशल ध्यान रखने की जरूरत है, इनको स्पेशल असिस्टिव टेक्नोलॉजीज देने की जरूरत होती है। दिस इंक्लूड दो चिल्ड्रन हु हैव सेंसरी डिसेबिलिटीज। तो डिसेबिलिटी वाले बच्चे जो हैं चिल्ड्रन विद डाइवर्स नीड्स वाले में सेंसरी डिसेबिलिटी वाले बच्चे आएंगे, डेवलपमेंटल डिसेबिलिटी वाले बच्चे आएंगे जिनमें कि उनको डेवलप होने में या उनकी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में प्रॉब्लम आ रही है। स्कॉलास्टिक बैकवर्डनेस की वाले बच्चे आएंगे, जैसे मैंने कहा कि अकेडमिकली बच्चे जो हैं वो कमजोर रह जाते हैं, एंड चिल्ड्रन बिलोंगिंग टू द मार्जिनलाइज्ड ग्रुप, और वो बच्चे आएंगे जो मार्जिनलाइज्ड ग्रुप से आ रहे हैं। मार्जिनलाइज्ड ग्रुप्स का मतलब वो है जिनको कि अभी तक जो है वो इक्वल और अप्रोप्रिएट जो है फैसिलिटीज नहीं मिली है। इसमें बिलो पॉवर्टी लाइन वाले बच्चे आ सकते हैं, पुअर फैमिली से, रिमोट एरिया से, रूरल एरिया से बच्चे आ सकते हैं। इसमें जो गर्ल चाइल्ड है उसको भी हम बात करेंगे, इसमें ये सब तरह के बच्चे इसमें आएंगे। अब हम बात करते हैं करेक्टरिस्टिक्स की चिल्ड्रन विद डाइवर्स नीड्स की। सबसे पहले हम बात करेंगे दीज चिल्ड्रन आर वेरीड फ्रॉम नॉर्मल चिल्ड्रन। ये बच्चे नॉर्मल बच्चों से वेरी करते हैं, और किन किन एस्पेक्ट्स में वेरी करते हैं ये हमने पहले भी बात करी है, जब मैंने मीनिंग में बात करी थी, फिजिकल एस्पेक्ट में, मेंटल, इमोशनल एंड सोशल बेसिस, और भी बहुत सारे हैं जिनमें कि बच्चे ये वेरी कर सकते हैं। दीज चिल्ड्रन शो वेरीड बिहेवियर। ये बच्चे नॉर्मल बच्चों से अलग बिहेवियर शो करते हैं, जैसे कि किसी परिस्थिति में कोई एक नॉर्मल बच्चा, साधारण बच्चा किसी तरह से बिहेव करेगा, लेकिन ये जो चिल्ड्रन विद डाइवर्स नीड्स हैं इनका जो बिहेवियर है नॉर्मल परिस्थितियों में, ये नॉर्मल बच्चे से अलग होता है, क्योंकि इनकी जरूरतें अलग अलग हैं। दीज टाइप ऑफ चिल्ड्रन सफर फ्रॉम फिजिकल एंड मेंटल प्रॉब्लम्स। इन बच्चों को ये बहुत तरह की प्रॉब्लम्स होती हैं, फिजिकल भी हैं, मेंटल भी हैं, वो कंसेंट्रेट नहीं कर पाते एक ही चीज के ऊपर ज्यादा देर तक,
दे हैव टू फेस प्रॉब्लम्स इन एडजस्टिंग टू देयर एनवायरनमेंट. ये बच्चे एनवायरनमेंट के साथ अपने आप को सही तरीके से एडजस्ट नहीं कर पाते, और इनको अगर एडजस्ट करना है तो बड़े प्यार की जरूरत है, बड़े प्यार से इनको एडजस्ट करवाया जा सकता है, और एडजस्ट करने के लिए बहुत सारे रिसोर्सेज की भी जरूरत पड़ती है. दे नीड स्पेशल केयर फॉर डिवेलपिंग देयर एबिलिटीज एंड कैपेसिटीज. हमने पहले भी बात करी कि इनको डिवेल्प अगर हमने करना है तो बड़े प्यार से, ध्यान से, इनका हर समय नॉर्मल बच्चे से ज्यादा ध्यान रखना पड़ता है, इनकी ज्यादा केयर करनी पड़ती है. दे ग्रो एंड डिवेल्प डिफरेंटली फ्रॉम द नॉर्मल चिल्ड्रन. ये आम बच्चे से डिफरेंटली ग्रो करते हैं. जैसे कि एक साधारण बच्चा है वो तो जल्दी ग्रो और डेवलप हो जाता है, लेकिन ये जो डाइवर्स नीड्स वाले बच्चे हैं ये उन बच्चों से बहुत स्लो भी डेवलप हो सकते हैं. और कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे जो पॉजिटिव साइड, वो जो बहुत जल्दी डेवलप हो जाएंगे. जैसे कि हमने बात करी थी अगर मेंटल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की हम बात करें तो फिर बच्चे जो है वो गिफ्टेड होते हैं, वो बहुत जल्दी सीख लेते हैं किसी चीज को. और अगर हम नेगेटिव एस्पेक्ट की बात करें तो कई बच्चे ऐसे होते हैं जिनको कि 10 बार 20 बार पढ़ने के बाद भी कोई चीज याद नहीं होती है. दे हैव अ रिक्वायरमेंट फॉर स्पेशल एजुकेशन. इनको स्पेशल एजुकेशन की जरूरत है एज दे कैन नॉट टेक एडवांटेज इन द नॉर्मल क्लासरूम. इनके लिए जो साधारण क्लासरूम है उनमें जो एक्टिविटीज हो रही हैं, जो टीचर उनको नॉर्मल टीचिंग मेथड से पढ़ा रहा है, डाइवर्स नीड्स वाले बच्चों के लिए वो मेथड्स सफिशियंट नहीं है. उनको कुछ एडिशनल मेथड्स के साथ, असिस्टिव टेक्नोलॉजी के साथ, कुछ नए एड्स के साथ पढ़ाना चाहिए, पढ़ाना होगा, और तभी वो जो है वो उनका बेनिफिट क्लासरूम टीचिंग का वो ले पाएंगे. चेंजेस इन द फंक्शनिंग ऑफ द स्कूल. हमें स्कूल की फंक्शनिंग में चेंज करना पड़ेगा, बिहेवियर्स में चेंज करना पड़ता है इनकी वजह से, तभी ये लोग जो है वो अपनी कैपेसिटीज और कैपेबिलिटीज को पूरी तरह से डेवेलप कर पाते हैं. जितना भी हम इनको मैक्सिमम डेवेलप कर पाए उतना कर पाते हैं, लेकिन उसके लिए हमें स्कूल का और लोगों का जो बिहेवियर है, जो कंसर्न पर्सन है, चाहे वो टीचर्स हैं, क्लासमेट्स हैं, नॉन टीचिंग स्टाफ है, पेरेंट्स हैं, कम्युनिटी मेंबर्स हैं, उन सब का जो है उनका बिहेवियर जो है वो डाइवर्स नीड्स वाले बच्चों के लिए हमें पॉजिटिव एटीट्यूड चाहिए कि इन लोगों को भी हमने पढ़ाना है, वो तभी पढ़ पाएंगे. दी चिल्ड्रन लर्न डिफरेंटली फ्रॉम द मेजोरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स. ये बाकी बच्चों से अलग तरह से लर्न करते हैं. जैसे मैंने पहले भी बात करी कि कई बच्चे तो बड़ी जल्दी सीख जाते हैं, एक बार जो क्लास में टीचर ने कराया उनको समझ में आ जाता है, लेकिन ये जो डाइवर्स नीड्स वाले बच्चे हैं तो इनको उसी चीज को बार बार रिपीट करना पड़ता है, या बार बार पढ़ना पड़ता है, या वो वीडियो देख के समझ ज्यादा अच्छी तरह से सीख सकते हैं. थैंक यू. मुझे उम्मीद है आप लोगों को मेरी वीडियोज पसंद आ रही हैं. कृपया इनको लाइक शेयर जरूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लें, ताकि मेरी वीडियोस जो हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स तक पहुंच पाए. थैंक यू.